हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन के लिए। और भी चीज़ें यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ, प्रिपरेशन से रिलेटेड टिप्स एंड सारी चीज़ें, तो उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ आज, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि NBE, यहाँ पे जो वैकेंसी आई है अकाउंटेंट्स के लिए, असिस्टेंट के लिए, और भी वेरियस पोस्ट हैं लाइक स्टेनोग्राफर। तो अगर आपके फैमिली में किसी ने 10th 12th भी किया हुआ है स्टेनोग्राफर या जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट को फिलअप कर सकते हैं, तो आप उन्हें भी बता सकते हैं, अपने रिलेशन में जो भी हैं तो ये फॉर्म वो फिलअप कर सकते हैं। और इसकी प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो online.davidguru.com से आप प्रिपरेशन भी कर सकते हैं एग्जामिनेशन की जो भी है, और ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो अभी स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट डेट्स की है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, डेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो भी है वो सारी बताई गई, 31 जुलाई 2020 है। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 11 जुलाई 2020 है, एंड क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 जुलाई 2020 इवनिंग 5 o'clock। एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे टेंटेटिवली एक तरीके से बता दिया गया है 31 अगस्त 2020 है। तो अब तक क्या ये सबसे बड़ी हेडलाइंस देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रेनिंग की वैकेंसी के बारे में अगर बात करूँ मैं, तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की वैकेंसी आई हुई है। सेकेंड जो है नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी में आपके लिए ट्रेनिंग की वैकेंसी है, CM इंटरमीडिएट के लिए तीनों ही हैं। और एक TVS मोटर कंपनी लिमिटेड में वैकेंसी आई हुई है यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए। तो तीनों की लास्ट डेट आप देख सकते हैं, ये टॉप हेडलाइंस है अभी तक की। और अब आगे बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ NBA और नंबर ऑफ वैकेंसी एंड पोस्ट डिटेल्स की। यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन 1 में बताया गया है एलिजिबिलिटी ऑफ द वैकेंसी। तो वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है जहाँ पे आप अपने कोई भी रिलेटिव या फ्रेंड्स या आपके ब्रदर सिस्टर एल्डर या फिर यंगर हैं तो उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं ये सारे, जैसे कि सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट। और यहाँ पे जो मेन बात करने वाला हूँ मैं, यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट की बात करें अगर, तो यहाँ पे 27 ईयर एज जो है देख सकते हैं आप सभी पोस्ट के लिए मांगा गया है। तो 27 ईयर है तो आप यहाँ पे अप्लाई करवा सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं। पेमेंट अगर पे स्केल की बात करें यहाँ पे, तो लेवल 4 की पे मैट्रिक्स है और नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है। सबसे ज़्यादा जूनियर असिस्टेंट में वैकेंसी है जहाँ पे क्वालिफिकेशन यहाँ पे सीनियर सेकेंड यानी 12th मांगा गया है, और कंप्यूटर में आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बात करें यहाँ पे अगर जूनियर अकाउंटेंट की, तो बैचलर डिग्री विथ मैथ्स एंड स्टेटिक्स, यानी आपने भी कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री लिया है विथ मैथ एंड स्टेटिक्स तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास डिग्री इन कॉमर्स में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये डिजायरेबल है, अगर आपके पास है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। 3 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस मांगा हुआ है डिजायरेबल में, डीलिंग विथ अकाउंट्स इन सम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और बेसिक अकाउंटिंग। तो ये डिजायरेबल है, फॉर्म फिलअप करके आप देख लीजिएगा। यहाँ पे ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, एसेंशियल सिर्फ बैचलर डिग्री है जो मांगा गया है, बाकी स्टेनोग्राफर का भी पोस्ट है जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे बताया गया है जो अवेटिंग कैंडिडेट्स हैं रिजल्ट के वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। एज लिमिट क्राइटेरिया मिनिमम 18 ईयर मांगा गया है, और मैक्सिमम जो आपका 27 ईयर बताया गया है। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट आपको मिल जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे है जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, और ये प्रिपरेशन आप online.davidguru.com से कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं, अभी लास्ट में बताऊँगा इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो TCS कराएगा, और एग्ज़ाम की डेट जैसा कि ऊपर ही मैंने बताया 31 अगस्त 2020 है। उसके बाद आपका जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनका स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट में हो सकता है कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट हो, और कुछ जो होगा वो आपको कॉल लेटर में बता दिया जाएगा। और ये कब होगा एग्जाम, 20 सितंबर 2020। ये सारे अभी एक तरीके से टेंटेटिव है, अगर सब कुछ सही रहा तो इन डेट पे ये सारे हो जाएंगे। डिटेल ऑफ वैकेंसी ऊपर मैंने बता दिया, टाइम मैट्रिक्स आपका 4 है लेवल, वो मैंने ऊपर ही बता दिया। अब बात करते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग की। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे न्यू दिल्ली बताया गया है आपके लिए, और लाइबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। तो अगर जरूरत होती है तो कहीं भी ये अपने लोकेशन जो भी इनका वहाँ कर सकते हैं। अब वेबसाइट लिंक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना है और सारी डिटेल आपको फीड करनी है। बात करते हैं सेक्शन 2 की। यहाँ पे सेक्शन 1 कंप्लीट हो चुका है, सेक्शन 2 में
कंडीशन फॉर एलिजिबिलिटी एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बात किया गया है, जहाँ पे रेमुनरेशन एंड सर्विस कंडीशन जो बताया गया वो पे मेट्रिक 7 से पीसी यानी कि रिवाइज पे स्केल के हिसाब से आपको मिलने वाला है। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है ई पॉइंट में कि आपको क्या क्या सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अपलोड। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है ये आप रखिएगा, साइन करने के बाद ही आपको अपलोड करना है। 10th 12th ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो जो इनमें से अप्लीकेबल होगा आपको अपलोड कर देना है। सेल्फ अटेस्टेड एनओसी अगर आपका है, यानी किसी एनओसी का मतलब है कि गवर्नमेंट कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसके बाद यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, तो एक ओनरशिप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए आपके एम्प्लॉयर से, और कास्ट सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ का आधार प्रिंट आउट कुछ भी हो, ये सारे आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो मोड ऑफ एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन फीस है फर्स्ट एंड नॉन रिफंडेबल 1500 प्लस जीएसटी टू बी पेड बाय द जनरल कैंडिडेट, एंड राउंड सेकेंड है यहाँ पे 750 प्लस जीएसटी पेबल पेड बाय एससीएसटी पीडब्ल्यू एनसीएल, ये लोग जो है कैंडिडेट ये सारे पे करेंगे 750 रुपीज। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन थ्रू डेबिट क्रेडिट कार्ड पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करें एग्जामिनेशन सेंटर के, तो यहाँ बताया गया है डिटेल्स विल बी अपलोडेड ऑन एनबीई साइट, तो एनबीई साइट से आपको सेंटर पता चल जाएगा। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन आपको बताया गया है प्रोसेस, जैसा कि ऊपर मैंने कहा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है 31 अगस्त 2020 को, तो उसका सिलेबस क्या होने वाला वो बताया गया है। सीनियर असिस्टेंट एंड जूनियर अकाउंटेंट के बारे में यहाँ बात किया गया है, तो ये चार सेक्शन है, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कंप्रेहेंशन। एक एक मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 50-50 के सेक्शन होंगे और 200 यहाँ पे टोटल क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको 180 मिनट्स दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर का भी सेम प्रोसेस है, यहाँ पे 1 मार्क्स के होंगे ईच क्वेश्चन एंड 200 क्वेश्चन होंगे, 180 मिनट्स आपको मिलेंगे। आप कर सकते हैं ऑनलाइन डेबिट ग्रुप से और यूट्यूब से वेरियस चैनल है जहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब मिसलिनियस कंडीशन यहाँ पे कुछ बताए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अपने से पढ़ लेंगे, जो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं वो सारे ऑलमोस्ट आप पढ़ सकते हैं, बताने लायक कुछ और नहीं है यहाँ पे। अब बात करते हैं कॉन्टेक्ट अस, यानी कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है फॉर्म फिलअप करते समय, तो ये हेल्पलाइन नंबर है जहाँ पे आप कॉल करके क्वेरी अपना सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड यहाँ पे ईमेल के थ्रू आप कर सकते हैं vacancy@nbnnatboard.edu.in, यानी कि इस पे आप मेल करिए अपना क्वेरी, वो रिप्लाई में आपको बता देंगे। अब यहाँ पे रिक्रूटमेंट एग्जाम मॉक लिंक भी दिया है, जिस पे जाके आप अपना मॉक टेस्ट एक तरीके से दे सकते हैं, और मॉक टेस्ट वेरियस क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए आप online.devilguru.com पे जा सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है तो आप मोबाइल से भी ऐप के थ्रू कर सकते हैं, डेविड गुरु के नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। और अगर अदर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। सो आई होप ये वैकेंसी आपके लिए यूजफुल होगी, आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके एल्डर यंगर ब्रदर सिस्टर जो भी हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के साथ, और जो हेडलाइंस मैंने बताया अगर आप एलिजिबल हैं तो वहाँ पर ज़रूर जाके अप्लाई कर दीजिए ट्रेनिंग के लिए। थैंक यू।